नमस्कार साथियों, आज श्री हनुमान जीवन से जीवन की सीख श्रृंखला के इस अंक में आपका स्वागत करते हुए मैं आप सबको गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करना चाहता हूं। गणतंत्र दिवस भारत के इतिहास में एक ऐसा दिवस है जो न केवल राष्ट्रीय पर्व है बल्कि राष्ट्रीयता की भावना लिए एक देश के और एक नागरिक के कुछ अधिकारों, कुछ कर्तव्यों की बात करते हुए एक शास्त्र सम्मत ग्रंथ के बारे में बात करता है। और निश्चित तौर पर ये शास्त्र सम्मत ग्रंथ कुछ और नहीं है, हमारा संविधान है। भारत के संविधान का बनना, उसको स्वीकार करना और उसका नागरिकों के परिप्रेक्ष्य में क्या महत्व है, यह भारत के नागरिक भली भांति समझ सकते हैं। अतः यह दिन हम सब के लिए उपयोगी है। वहीं हम आज के इस विशेष हनुमान जीवन से जीवन की सीख अंक में चर्चा के माध्यम से समझेंगे कि किस तरह श्री हनुमान जी के जीवन से हम नागरिक गुणों को भी धारण कर सकते हैं। श्री हनुमान जी का चरित्र न केवल मनुष्य को अनेकानेक गुणों से भरता है बल्कि नागरिक के तौर पर नागरिक के क्या कर्तव्य हैं, यह भी श्री हनुमान जी के जीवन से हम सब सीख सकते हैं। तब जब आज हम अपने गणतंत्र की स्थापना का पर्व मना रहे हैं, श्री हनुमान जी के माध्यम से हम ये समझ सकते हैं कि किस तरह से उनके द्वारा प्रस्तुत आदर्श चरित्र में एक नागरिक के तौर पर हम सब किस तरह राष्ट्रीयता के महत्व को, राष्ट्र के महत्व को, अपनी प्रजातंत्र के महत्व को समझ सकते हैं। यूं तो श्री हनुमान जी के जीवन में बहुत सारे ऐसे संक्षेपण हैं जिनके माध्यम से हम उनके अनेकानेक गुणों को समझते हैं, लेकिन उनके नागरिक गुणों के आधार पर हम देखते हैं कि बाल अवस्था से लेकर उनके बाद के समय में, जहां वे मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सेना के सेनानायक थे और उससे पहले सुग्रीव के सेना में एक मंत्री पद पर थे और उससे पूर्व एक नागरिक के तौर पर अपने राष्ट्र के प्रति संपूर्ण कर्तव्यों का परिपालन करते थे, उनके पास एक नागरिक के तौर पर अतुलित बल था, लेकिन इस अतुलित बल का उन्होंने राष्ट्र के विरोध में कभी इस्तेमाल नहीं किया। आज हम सबको यह सीख लेने की आवश्यकता है कि कोई भी शक्ति राष्ट्र के खिलाफ नहीं होनी चाहिए। संघे शक्ति पराक्रम होता है और हमारी शक्ति इस संघ के को पराक्रम दिलाए, यानी भारत जो राज्यों का संघ है उसे एक संपूर्ण और उत्कृष्ट राष्ट्र बनाए। उस परंपरा में चलते हुए श्री हनुमान जी ने हमेशा एक नागरिक के तौर पर अपने दायित्वों का परिपालन किया है। वे संपूर्ण निष्ठा के साथ राष्ट्र के साथ, राजा के साथ, जिस राजा के झंडे तले वो युद्ध कर रहे थे उसके साथ रहे। आज नागरिकों के तौर पर यूं तो नागरिकों को युद्ध का कोई धर्म पालन नहीं करना होता, लेकिन प्रत्येक नागरिक निश्चित तौर पर हमारी सेना को या असैनिक बल को या संपूर्ण संविधान को सहायता दे सकता है तब जब वो अपने कृतित्व के द्वारा, अपने कर्मों के द्वारा देश को शक्ति संपन्न बनाए, देश में शांति हो, देश में बहुत सारा ऐसा सद्भाव फैले जिसमें हम काटने की नहीं जोड़ने की बात करें। श्री हनुमान जी निश्चित तौर पर बल बुद्धि निदान हैं और इस बल और बुद्धि का इस्तेमाल वह राष्ट्र के हित में करते आए हैं। निश्चित तौर पर वह संविधान सम्यक कानून और नियमों का हमेशा पालन करते थे। यद्यपि उस युग में शायद संविधान की आवश्यकता नहीं थी, जो विधान स्वामी के द्वारा रचित था उसे वह मानते थे। आज हमारा स्वामी या हमारा जो
एकाकार स्वामित्व के तौर पर है तो वो राष्ट्र के से है, और अगर हम राष्ट्र के प्रति अपने स्वामी भक्ति का प्रदर्शन करेंगे, अपनी देशभक्ति का प्रदर्शन करेंगे, तो यह गुण श्री हनुमान जी से हम लेकर अपने राष्ट्र उत्कर्ष की इस प्रतियोगिता में अपना कुछ ना कुछ योगदान दे सकते हैं। एक नागरिक के तौर पर हमारे कुछ अधिकार हैं तो हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं। श्री हनुमान जी हमेशा अधिकारों से अधिक कर्तव्यों की बात करते हैं, और वो कहते हैं राम काज कीने बिना मोहि कहाँ विश्राम। उसी तरह हर नायक नागरिक का दायित्व है कि भारत का कर्म या भारत कर्म के बिना किसी नागरिक को विश्राम की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कुछ अलग करने की आवश्यकता है? नहीं। एक विद्यार्थी के तौर पर केवल विद्या अध्ययन का काम करें, एक शिक्षक के तौर पर शिक्षा प्रदान करने का काम ईमानदारी से करें, उसी तरह एक सफाई वाला, चिकित्सक, एक कृषक और किसी बड़े और छोटे पद पर धारित कोई भी व्यक्ति, कोई भी आम और खास व्यक्ति अपने जीवन की मर्यादाओं को पालते हुए, अपने जीवन में प्राप्त बल का सदुपयोग करते हुए राष्ट्र शक्ति को, संघ की शक्ति को बढ़ाए। संविधान हम सबसे बड़ा है और संविधान का विधान उसी तरह है जैसे राजाज्ञा है, अतः हमें राष्ट्र की आज्ञा राजाज्ञा का भी पालन करना है। निश्चित तौर पर हमारे कुछ अधिकार भी हैं, और इन अधिकारों को तभी हम सही तरह से जी सकते हैं या उनकी संकल्पना कर सकते हैं जब हमारे अधिकारों की किसी के द्वारा कहीं पर भी कोई कटौती न की जाए। अतः हम अपने अधिकारों के माध्यम से किसी दूसरे के अधिकारों का सृजन ना करें। श्री हनुमान जी के चरित्र में भी यह उद्धृत होता है, वह स्वामी भक्ति करते हुए अपने से वरिष्ठ अथवा अपने से कनिष्ठ कभी किसी सेना नायक का, सेनानी का, नागरिक का अहित नहीं करते, बल्कि उसके सम्मान की भावना रखते हैं। एक नागरिक के तौर पर दूसरे नागरिक के प्रति हमें सम्मान रखना चाहिए। यहां तक कि एक सेना नायक के तौर पर भी दूसरी सेना के नागरिकों या दूसरी सेना के नागरिकों के विषय में भी श्री हनुमान जी का चरित्र से हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। यद्यपि हम अपने आप में एक संस्था या संगठन नहीं है, हम मात्र एक व्यक्ति हैं। श्री हनुमान जी का संगठनात्मक बल हमसे बहुत अधिक है, और यह हमारी व्याख्या के अधीन नहीं है कि हम उनके बारे में वर्णन कर पाए। राष्ट्र सबसे बड़ा होता है और राष्ट्र हमारा स्वामी है। जिस तरह राम की भक्ति करते हुए श्री हनुमान जी ने अपना जीवन लगाया, अगर हम सत्कर्मों से और अपने कर्मों का अक्षरशः पालन करते हुए राष्ट्र धर्म या राष्ट्र भक्ति करेंगे, तो निश्चित तौर पर अपने संविधान के अनुपालन में और राष्ट्र के हित में सहायक होंगे। श्री हनुमान जी के चरित्र से आगे आने वाले अंकों में हम अनेकानेक चिंतन करते रहेंगे। मैं आज पुनः आपको हमारे गणतंत्र दिवस की शुभकामनाओं के साथ श्री हनुमान जी के चरणों में अपने वाणी को अर्पित करता हूँ। अगले अंक में पुनः श्री हनुमान जी के चरित्र के बारे में चिंतन, मनन, वंदन करेंगे। बहुत सारी शुभकामनाओं के साथ पुनः गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। जय श्री राम। जय हनुमान।